ठीक है, मैं फोन करता हूँ, शूट करता हूँ। बुला लो ना, बुला लो। अजय मोहन आप ही चलो। नाइस, दोनों इधर, दोनों इधर, दोनों साथ, दोनों इधर जाओ। सर हां, थोड़ा सा आ गया ये, बहुत पीछे लग गया। हां थोड़ा सा गया, मैं थोड़ा सा टर्न दीजिए ना इस तरफ, ये साइड इसके। हां बस देना, इधर लो सर, हम लोग को घुमाओ। सुनील जी का सबका भी लो। नहीं 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 नहीं, सबका लो यार। नहीं 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 नहीं, मत प्लीज। क्यों? नहीं नहीं, मजाक मत करो प्लीज प्लीज। नहीं, हम लोग नहीं निकालने देते, सॉरी। ठीक है, मत दादा कहाँ गए फोटोग्राफर? हाँ अभी ये चेंज करके आऊँ। थोड़ा सा कसम, थोड़ा सा लाइट दे ना। सुनील चालू है ये बंद काय कुटे चालू है? एक उनका एक लेते शुरू करते हैं। नहीं नहीं, आप कैमरा लगाओ। थोड़ा सा ऑफ माइक है, स्लाइड। हाँ अभी एकदम उनके सामने मत देखो, आप लोग तीनों एंजॉय कर रहे हैं, नेचुरल पोज बात कर रहे हो ऐसा। और सर आप ग्रूम को समझो, मेरी बेटी को एकदम अच्छा खुश रखना एंड ऑल, ऐसा कुछ संभाल के रखना जब तक शूटिंग है। अच्छे 6-7 घंटे के लिए अच्छे, फिर देखा जाएगा, फिर अपने आप ठीक। अब तुम आ जाओ बेटा, अभी इसको उल्टा कर देते हैं, ये बाप के बेटे हो गए और ये। हाँ खुश रखियो, एक दो घंटे के लिए। सर आप ऐसा कुछ एक्शन करो, मेरी लड़की को अच्छा लगे। अच्छा संभाल के रखना, ओके यार लड़की तेज है, संभाल के रखना। टेंशन सोना, थोड़ा स्माइल कम करना। हाँ हाँ हाँ, आप सोनम और इसका भी ले सकते हैं। हेलो एक ये भी लड़के हैं उसमें, इनको भी बता। आप लोग को हेल्प कर रहा हूँ, शादी डायरेक्टर डायरेक्टर आपके तरफ करा भी देंगे ना। हाँ बस इसको बोले कि अगर ये प्रॉब्लम है तो ये कर देते हैं, शादी हो जाएगी। पता नहीं 5 साल के बाद शादी हो गई तो गुरु जी फिर तो हो गया। देखिए अभी 5 साल बोल रहा है, अभी 5 साल जब भाग में लिखा है वो पीछे का बांधने, पीछे का खोलने का ना। जो चलो आइए, अनुप से इधर ही आइए, आपको पहना। अच्छा सेहरा कौन था ना? जुलाई बांधिए पीछे जाके, आप पकड़िए आगे से, आप बांधिए आप एक तरीके।
सर वो पहन लेंगे तो एक और पहनाना, दो चीजें पहन लिया। हाँ जी सर, ये भी क्या? नहीं नहीं बहुत छोटा है। नहीं नहीं वो हाथ इनके हाथ में देना है और वो लड़के के। साल बोल दिया था हां, 12 जुलाई 1953 को पहन देना है। यही तो अच्छा है। वो हाथ से कीजिए, वो हैंड से कीजिए। हाँ हाँ उधर देखिए अरुण जी सर के पास। सर आपने ज़्यादा पकड़ा मैम, इसे मिल गया सेहरा खोलते। नहीं 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 रुको यार सर, ऐसा फोटोग्राफी एक्सक्लूसिवली सिर्फ हिमाचल को ही मिल सकता है। हो गया था ना? हो गया, हो गया। हाँ आइए सर, सेहरा खोल दीजिए। आगे का मैम थोड़ा मुस्कुराइए मैम आप। हाँ ये परेशान है वो सोच रही है हो क्या रहा है। नहीं नहीं थीम कुछ नहीं, अलग थीम है, टेंशन मत लो। कल छपेगा तब फिर दिखेंगे। चलो धन्यवाद। चलिए अभी सर सेहरा खाली कर दीजिए। अब अभी रुकिए, नहीं अब अभी रुकिए। क्या बात है, बस ठीक है सर, एक ग्रुप फोटो लेते हैं खाली बोल। क्या बात है, दोनों लेते हैं। सर मम्मी लोग ये भाई इधर ना, हर फ्रेम के बाहर जा रहे हैं हम लोग। चेयर पे बैठाओ क्या? हाँ सर, ग्रुप बड़ा हो रहा है ना। अनुज को बैठाना है और दोनों ब्राइट वाइट है उसके। बोलिए पनीर बटर, पनीर बटर, पनीर बटर, इंडियन है ना सब, पनीर बटर चीज हो गया। हाँ अब एक फोटो आपकी फैमिली और अनुज सर चारों, ठीक ये इसको भी ले लो। आजा आजा चलो माइक लगाओ। बटन नामचीन फेस्टिवल आप करते आ रहे हैं और एक नया इस साल कोरोना के दौरान आपने एक नया कॉन्सेप्ट लेके आए बेटा बेटी matrimony.com जी। तो ये कॉन्सेप्ट कैसे आया और अनुप जलोटा जी इतने खूबसूरत लग रहे हैं शेरवानी में दूल्हे के रूप में जी, तो इनको लेने का कैसे डिसाइड किया? देखिए बेटा बेटी matrimony.com जो हमने स्टार्ट किया है इसके पीछे बहुत बड़ा मकसद है। कॉन्सेप्ट जो है ये ऐसा आया है कि मेरे डैडी जैसे एस्ट्रोलॉजर हैं और ये तो हमारे घर पे परंपरा जो जिसको बोलते हैं वो एस्ट्रोलॉजी के थ्रू जो वैदिक एस्ट्रोलॉजी होती है उनके पास आते थे, क्लाइंट्स आते थे और शादियां होती थी। तो काफ़ी दिन से ये चल रहा था। डैड जो है मेरे वो कहते थे कि आप एक matrimony साइट स्टार्ट करें और मैं अब ध्यान नहीं देता था क्योंकि हम किसी और काम में, जैसे आपने कहा कि फिल्म फेस्टिवल में बिज़ी था और फिल्म डायरेक्शन में बिज़ी था, तो ये लॉकडाउन जो आपने कहा कि लॉकडाउन जो हमें मिल गया, एक सोचने का समय मिल गया एंड फैमिली के साथ और जुड़ने का मौका एक मिल गया, इसके वजह से डैडी के साथ डिस्कशन करके हमने ये प्लान किया कि हम ये बेटा बेटी matrimony स्टार्ट करेंगे। उसी के बाद सबसे पहली जो हमारी थिंकिंग आई कि इसमें जो इतना एक अच्छा गुड कॉज है, शादी कराना वैसे भी हम हिंदू शास्त्र के हिसाब से इसको बहुत पुण्य मानते हैं अगर हम कन्यादान करते हैं, तो मेरी तो कोई बहन है नहीं, सो मैं इकलौता बेटा हूँ, तो इसलिए फिर मुझे भी बहुत ये अच्छा दिल से अच्छा लग रहा था कि मैं अगर ऐसा कुछ करूँ। और फिर हमने और पापा ने डिसाइड किया कि अनूप जी की तरह और कोई हो ही नहीं सकता है कि जिसको सपोर्ट करे, और फिर हमने अनूप जी से बात की और हमने इनको ये कॉन्सेप्ट सुनाया कि हम एक गुड कॉज के लिए स्टार्ट कर रहे हैं बेटा बेटी matrimony.com। और जैसे कि आपको पता होगा कि बहुत सारे ऐसे वेबसाइट्स हैं, मैं नाम तो नहीं लेना चाहूँगा, लेकिन जो शादियाँ कराते हैं निकल कमर्शली वो सिर्फ शादी पर ध्यान देते हैं। मुझे तक आज तक तो नहीं दिखा कि कोई भी वेबसाइट जो है एक शादी को लेकर कुछ गुड कॉज भी करता हो।
तो इसीलिए हमने गुड कॉज ये लाया है कि बेटा बेटी मेट्रो मोनी के थ्रू जो है हम डोनेट करेंगे, और डोनेट करके जो है जिनके जिन बच्चे की जिन लड़की की या जिन लड़के की शादी नहीं हो पाती है किसी कारण की वजह से, शायद उनके पास मॉनेटरी सपोर्ट नहीं होता है या बहुत गरीब होते हैं, तो अनूप जी मिलके, मेरे पापा मिलके और इस मैट्रिमोनी के थ्रू और इस मीडिया के थ्रू, सबके सपोर्ट से, आप लोगों के थ्रू हम ये शादी करवाएंगे। और हम ये सब हमने प्रण किया है कि हम हर साल ये करते रहेंगे, शादी करवाएंगे, और बाकी तो गुरु जी बताएंगे, अनूप जी बताएंगे और मेरे डैडी इसके बारे में आपको बताएंगे कि और आगे हम क्या कर रहे हैं। जी जी, आप क्या कहेंगे? और सबसे पहले पूछना चाहूँगा कि इस डिजिटल, अभी लॉकडाउन में जो डिजिटल की बूम हुई है, हिसाब से ज्यादा लोग ऑनलाइन हैं, तो इसलिए इस वक्त ये आना बहुत शायद करेक्ट मूवमेंट है। बहुत सही मूवमेंट है, क्योंकि हर चीज बढ़ गई है। मैं लॉकडाउन से पहले करीब 2000 लोगों को रोज गाना सुनाता था, लॉकडाउन से शुरू होते ही मैं 3 लाख लोगों को रोज सुना रहा हूँ, इतने ज्यादा लोग ऑनलाइन सुनने लगे। तो मैट्रिमोनी जो शुरू हुई है हमारे बेटा बेटी, इसमें ख़ास बात यह है कि जो कहा जाता है कि स्वर्ग से शादियां बनाई जाती, वहां से जोड़ी जाती, रिश्ते जोड़े जाते हैं, तो हमारे पास ज्योतिषाचार्य हैं जो कुंडली देखेंगे दोनों की, पहले कुंडली मिलाएंगे कि क्या ये दोनों वही हैं जिनको ऊपर से जोड़ा गया है, भेजा गया है, और अगर वो वही हैं तो उन दोनों की शादी कराई जाएगी। और सबसे अच्छा काम जो इससे किया जाएगा वो ये है कि जिन लोगों के पास पर्याप्त धन नहीं है शादी करने के लिए, उनकी ये शादी करवाएंगे अपने खर्चे से, जो भी ज़रूरत की चीज़ें होती है वो उनकी उनको दी जाएगी और उन लोगों की भी शादी कराई जाएगी। तो मैं समझता हूँ बहुत अच्छा काम है, जब लोग जुड़ते हैं तो नए संबंध बनते हैं, नई रिश्तेदारियाँ बनती हैं, और बहुत से लोग आनंद लेते हैं उस संसार का, नया संसार बनता है। तो इसके लिए मैं बहुत खुश हूँ कि मुझे इन्होंने अपना ब्रांड एम्बेसडर बनाया है, मैं बहुत खुश हूँ, और आगे चल के इसमें और भी काम होंगे। गीत इसमें यही गाया जा सकता है कि मेरे यार की शादी है, इतना ही काफी। लगता है कि विवाह संबंध ऊपर से भगवान बना के भेजता है, तो इसमें कितनी सच्चाई है, ग्रह मिलाने में कितनी सच्चाई है, आप भी बता सकते हैं। अभी ऐसा है कि ये एक महान व्यक्ति अनूप जलोटा जी, जो कि पद्मश्री से इन्हें नवाजा गया है, ये देश नहीं विदेश, देश विदेश में एक ऐसे जानकार इंसान है, एक भजन गायक, जिनमें इनके अंदर बहुत से गुण हैं, और एक ऐसे इंसान हम लोग के साथ जुड़े हैं ये शादियां कराने में, जो शादियां मदद के तौर पे कराई जाएंगी कुछ शादियां, और जो लोग सच में है जो कर सकते हैं उनके जोड़े मिलाए जाएंगे, दोनों काम होगा, एक काम नहीं होगा, दोनों काम करने के लिए हम लोगों ने ये शुरू किया है, ये शुरुआत हुई है। इसमें इन्होंने जैसा कहा कि आसमान से जोड़े मिला के भेजे जाते हैं, बिल्कुल सत्य है कि आसमान से ही जोड़े मिला के भेजे जाते हैं, लेकिन ज़मीन पर हमारे तरह जानकार पंडित, ये जो एस्ट्रोलॉजी के जानकार लोग हैं, वो लोग, उन लोगों का काम होता है कि फिर वो उसको ये साबित करें कि भाई जोड़े ये मिल रहे हैं, उसमें गुण मिल रहा है। इसमें बहुत से पेचीदे मामले हैं, कभी कभी क्या होता है कि कुछ लोगों की कई शादियां हो जाती है, गुण नहीं मिले हैं कारण, मंगल दोष के कारण, कई तरह के दोष के कारण जीवन में सफलता नहीं मिल पाती है, गाड़ी चल चल के रुक जाती है। इसमें बहुत से फेमस लोग हैं, ऐसा नहीं कि वो कोई एक व्यक्ति की बात है, तो साधारण लोगों में भी है, असाधारण लोगों में भी ये बातें हुई हैं। तो अब उसके पीछे तो और कारण है, उसके ऊपर तो वही चीज़ को देख के हम लोग सही जोड़ा मिला के सही शादी कराएं कि आप खुश रहें और जीवन की जो शुरुआत हो वो अंत तक आप हंसते खेलते अपने जीवन का अंत कर सके। शुरुआत भी देखेंगे और अंत भी देखेंगे, क्योंकि उसमें दोनों चीज़ मिलती है। कभी कभी शुरुआत बड़ी आनंददायी होती है, चलते चलते 10 साल चली शादियां बीच में टूट गई और बड़े प्रॉब्लम्स जीवन में आ गए, बड़े बड़े लोग अलग हुए हैं, वो सब तो बातें दुनिया के सामने।
तो हम लोगों का मेन काम ये होगा कि ये हम जान सकें कि अभी जो ये शादियाँ हो रही हैं वो कितनी सफल होगी और आगे जाके जीवन का जो अंत होगा वो कितना सफल होगा। ये दोनों बातों को देखने के बाद फिर डिसाइड करेंगे और फिर उनका जीवन खुशमय गुजरे, आनंद से गुजरे, इसके ऊपर विचार करेंगे। और इनके तरह जो महान लोग जब इसमें हम लोगों के साथ जुड़ गए हैं तो ज़रूर ये काम सफल होगा। जी जी, उसके बारे में क्या कहेंगे? जी ऐसा है कि जैसे आपने चर्चा किया कि बहुत सारी मैट्रिमोनियल साइट तो हैं, आप लोग जानते हैं इसके बारे में, लेकिन जो सबसे आसान जो चीज़ें होती है वो एडिट होना, जो कि फोटोशॉप हो या और भी बहुत सारे सॉफ्टवेयर होते हैं। क्या होता है कि किसी शरीर किसी का, चेहरा किसी का करके ज़्यादातर साइट्स ये करना चाहते हैं, दिखाना चाहते हैं कि आप, मेन चीज़ होता है कि आप किसी साइट में जाके एक लड़का या लड़की ढूंढे, वही सबका, चाहे बाप माँ वो करवाए, चाहे भाई बहन कोई भी ढूंढे, उनका मकसद ये होता है कि एक लड़का एक लड़की मिले। बाकी साइट्स में करते ये, मैंने इस चीज़ को बहुत डीपली इसको एनालाइज किया है, पढ़ा है, समझा है कि कैसे साइट चलाते हैं और इतने साल से ये क्यों, किस तरह चलता आ रहा है और क्या एक्चुअली इतनी कमर्शियली बढ़ रहे हैं, लेकिन फ़ायदा लोगों को एक्चुअल में क्या हो रहा है। तो जब मैंने इतना चीज़ को एनालाइज किया तो पता चला कि कहीं ना कहीं से ये लोग क्या करते हैं कि शरीर किसी और का, चेहरा किसी और का, एंड अलग अलग प्रोफाइल्स आते हैं और उसके बाद हमें लगता है कि अच्छा ये तो ये मेंबर मिला, ये मेंबर मिल गया हमें और हम शादी करने की कोशिश करते हैं, बट बाद में पता चलता है कि ठंडन गोपाल है, उसके अंदर कुछ भी नहीं है। ठीक है, तो हमने अपने बेटा बेटी मैट्रिमोनी का जो हमारा साइट है, हमने उसमें सबसे बड़ा चीज़ सिक्योरिटी जिसको बोलते हैं, जिसमें से 99.99% हम जिसको बोलेंगे या 100% भी बोल सकते हैं कि जेन्यून प्रोफाइल होगा, इसलिए क्योंकि आपको कंपलसरी होगा कि आप जब फोटो अपना अपलोड करेंगे अपने बायोडाटा के साथ, तब आपको जो है साथ में वीडियो जो है वो कंपलसरी रहेगा कि आपको वीडियो भी अपलोड करना है। तो वीडियो जब रहेगा तो फोटो एडिट तो हो सकता है, लेकिन वीडियो इतना जल्दी, देखिए हालांकि वीडियो भी एडिट होती है बट नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल होता है कि आप तुरंत आप वीडियो एडिट करें, उसके लिए किसी इससे जो महारथी लोग होते हैं उनको जाके आपको वीडियो एडिट कराना पड़ेगा। अदरवाइज वीडियो जो एक होता है वो प्रोफेशनली सबसे बेस्ट होता है, तो आप कितना भी फोटो चेंज करें लेकिन वीडियो चेंज नहीं कर सकते। तो इस तरह जब फोटो एक अपलोड होगा, साथ में जब उनका लड़का या लड़की का, उनके ग्रूम या डॉटर, जो भी लड़का या लड़की शादी के लिए रजिस्टर्ड हो रहे हैं, उनका जब फोटो के साथ जब वीडियो लगेगा तो चेंज नहीं कर पाएंगे और हमें पता चलेगा और लोगों को पता चलेगा जो रजिस्टर्ड कर रहे हैं कि हाँ भाई जिसका फोटो है वीडियो में भी वही है, वो दिखती कैसी है या दिखता कैसा है, वो सारा चीज़ प्रोफाइल में मिलने वाला है। तो ये ऑथेंटिकेशन हमने रखा है, इसके बिना आप रजिस्टर्ड भी नहीं कर पाओगे, इसलिए जेन्युइनिटी के साथ जो है बेटा बेटी मैट्रिमोनी के साथ आप लोगों को जो है जोड़ी बनाएंगे और ये मुझे लगता है कि आप सबको ही अच्छा लगेगा और ये सक्सेस मिलेगा इसमें हमें। गुड थॉट, गुड थॉट। बात सुनते सुनते मुझे आ गया इंटरेस्ट इससे कि पहले जो है ये ज्योतिष कराते थे या रिश्तेदार आके बताते थे कि किसी क्या लड़की है किसी क्या लड़का है, लेकिन आज इतनी फास्ट लाइफ हो गई है, हर आदमी इतना बिजी है जिसमें सब डिजिटल का सहारा हो गया, सब कुछ ऑनलाइन हो गया, तो इसके लिए वजह से कि बहुत सारे साइट्स खुल गए और नया जो साइट आपका आ रहा है ऐसे लोगों की भी शादियां कराई जाएंगी जिनके पास पैसे है ही नहीं, उनकी शादियां जो है वो हम लोग अपने खर्चे से कराएंगे, तो ये एक बहुत बड़ी बात है। मैं इसीलिए इससे जुड़ा हूँ, मैं इसलिए नहीं जुड़ा हूँ कि इससे कुछ धन कमाना है, मैं इसलिए जुड़ा हूँ कि इससे सेवा होगी।